सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दी खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशहरन कौर। अज 24 मई है, दिन मंगलवार है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानू अज दीआं सारीआं वड्डीआं ते अहम खबरां दसांगे, पर उस तों वी पहलां मुल्क दे महान शहीद करतार सिंह सराबा दे जन्मदिन ते तुहानू मुबारकबाद देंगे अते शहीदी लासानी जिंदगी नू सलाम भी करदे हां। करतार सिंह सराबा ने अपने असूलां ते चलदिआं कौम दी खातर 19 साल की उम्र विच फांसी दा रस्सा चुम्मिआ सी। अज कहण दे विच कोई झिझक नहीं कि पंजाब दे धीआं पुत पढ़ लिख के जे उच्चे रुतबिआं नू हासिल कर दे, शहीद करतार सिंह सराबा दी विचारधारा दे धारनी बण दे, तां शहीदां दे सुपनिआं दा पंजाब सिरजिआ जाणा सी। पर बदकिस्मती दे नाल पंजाब दा सरमाया बहुगिणती नौजवान नशिआं दे खूह विच जा डिगे ने, ते इसे करके अजिहीआं खबरां पढ़न दे लई मजबूर होणा पैंदा है कि अज चिट्टे दे नाल इन्नीआं मौतां हो गईआं ने। खबरां च सब तो पहले तुहानू दस देने कि 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब दा गुरु तक दी दिहाड़ा कल श्री अकाल तख्त साहिब विखे ते श्री दरबार साहिब विखे उत्साह नाल मनाया गया। श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाउण तों बाद हजूरी रागी जथिआं ने रसपिना कीर्तन गायन कीता। रात नूं खूबसूरत आतिशबाजी भी हुई ते सचखंड श्री दरबार साहिब विखे दिन वेले जलौस सजाए गए। वड्डी गिणती विच संगत ने दरबार साहिब विखे अकाल तख्त साहिब विखे मत्था टेकिया। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने गुरु तक गद्दी दिहाड़े दी वधाई देण दे नाल नाल सिख संगत नूं संदेश भी दिता कि हर सिख अज दे समय लाइसेंसी हथियार रखे लोड है। जथेदार ने कहा कि गुरु साहिबाना दे दित्ते उपदेशां ते चलदिआं हर सिख नूं शस्त्रधारी होना चाहीदा है अते शास्त्र दी विद्या हासिल करनी चाहीदी है। ते जथेदार साहिब दे संदेश दे नाल इक नवीं चर्चा पंजाब दे विच शुरू हो गई है। पंजाब दे वख-वख सियासी लीडरां ने प्रतिक्रम दिता है, अगे बुलेटिन दे विच तुहानूं दस्सांगे। ताज़ा बयान पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दा आया है। उन्होंने कहा कि जथेदार साहिब हथियारां दी थां शांती दा संदेश देण। मान ने कहा कि असीं इक सभ्यक समाज विच रह रहे हां जिथे देश दा शासन कानून दे राज नाल चलदा है। अजिहे सुहिरद ते सद्भावना वाले समाज विच हथियारां दी कोई थां नहीं हुंदी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं गुरबाणी दे संदेश नूं फैलाउण वल ध्यान देना चाहीदा है, जिस विच सरबत दे भले दी कल्पना कीती गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ साफ लिखा है कि जथेदार साहिब आपा पंजाब दे विच शांति भाईचारे ते मॉडर्न तरक्की दे सुनेहे देने ने, ना कि मॉडर्न हथियारां दे। ते मुख्यमंत्री दे इस बयान तो बाद सोशल मीडिया ते भी चर्चा शुरू हो गई है। क्रिटिसाइज किया जा रहा है, दोवें पक्षां दे लोक आपो अपने बयान दे रहे ने। कई कह रहे ने कि जे मॉडर्न हथियारां दी लोड़ नहीं तां वड्डी वड्डी सिक्योरिटी जिहड़ी तुसीं अपने नाल रखी हुंदी है उस नूं रखण दा की मतलब बणदा है, कि ओह लाइसेंसी हथियार नहीं हन। सो जथेदार साहिब दे इस बयान ते चर्चा किन्नी कु चलूगी इह तां आउंदे दिनां च देखांगे। हुण मौसम दी गल कर लैने आ। मीं तों बाद पंजाब दे विच गर्मी तों पूरी राहत मिल गई है। तापमान 8 डिग्री थले डिग्गिया है ते जिहड़ा ताज़ा मीं पिया है जां फिर पै रिहा है हाले वी, उस मीं दे विचों सब तों वध मीं लुधियाणा जिले दे विच पिया है। हालांकि इस मीं तों पहलां जिहड़ा झक्खड़ हनेरी चले ने उस कारण बिजली ज़्यादातर थावां ते प्रभावित हुई है। ऐतवार रात तो शुरू होया मीह, सोमवार तड़के तक पैंदा रहा ते सोमवार तड़के ही लोकां नूं बिजली जदों उठे तां बिजली गुल मिली ते फिर कई कई घंटे सोमवार तक बिजली नहीं आई। मौसम विभाग ने कल पेशीनगोई कीती सी कि 24 घंटे मीह पवेगा ते तेज़ हवावां चलणगियां। मानसा जिले दे विच मीह ते झक्खड़ कारण नुकसान दीआं खबरां आईआं ने। लोकां नूं गर्मी तों राहत तां जरूर मिली है, पर वड्डी पद्धर ते पंजाब राज पावर कारपोरेशन दे खंभिआं ते बिजली दीआं तारां टुट गईआं, जिस कारण पिंडां ते शहरी इलाकिआं दी बिजली सेवा प्रभावित हुई ते कई पिंडां विच तां देर शाम तक वी बिजली नहीं आई। झक्खड़ कारण खंभे ते तारां टुट्टण सने ट्रांसफार्मर डिग्गण नाल पावरकॉम दा लक्खां रुपए दा नुकसान होया है। ते मौसम दा मिजाज बदलण दे नाल किसानां ते मजदूरां दीआं मुश्किलां वी वधीआं ने। तेज़ हनेरी आउण नाल सब्जियां अते हरे चारे दा वी काफ़ी नुकसान मानसा जिले दे विच होया, जिस नूं लै के किसानां मजदूरां ने सरकार तों मदद दी गुहार लाई है। साडा वाहन 3 किले वाहन है, 72,000 रुपये किले नूं वाहन लिया था जी। तो सारी तो सब्जी लाई थी, तो मिर्चें हैं, गुआरा है, भिंडियां हैं, सारी सब्जी लाई थी। सानू सब्जी तो खैर बारिश तक राहत तो मिली, मगर सब्जी से नुकसान ज़्यादा है क्योंकि फल सारा डिग गया अंधेरी करके, तो बल्लें इधर की इधर हो गई, पलट गई सारिया। तो सरकार से यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए सानू, और बस यही रिक्वेस्ट है सानू। बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही थी, गर्मी तो पशु पंछी बंदे सारे मतलब तरह तरह करते,
ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਬੂਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗਵਾਰਾ ਜਾਂ ਬੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਦ ਫਲੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ, ਔਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਗੜੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਧੀਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ATM ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਕਾਨਗੜ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਕ ਇੰਨੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ AC ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AC ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ 11000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਮੌਸਮ ਸਦਕਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਢੁਕਵੀਂ ਡਾਇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਲਰਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਬਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਸਣੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਧੇਰੇ ਗਾੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪਾਏ ਸਨ, ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਕਲਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ HPS ਵਰਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਡਾਇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, 23 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ।
जिहड़े छोटे किसान ने जिन्होंने जमीना जिहड़ियां वाही जो कीतियां सीगियां उन्हां दे भविख बारे उन्होंने जिहड़े केस उन्होंने हरे आ हाई कोर्टा चो सुप्रीम कोर्टा दे विचों थल्लों असीं की कुछ कर सकते उहदे वास्ते उन्हां दे भविख लई असीं की कर सकदी आ मान साहब दी सरकार वो चीज़ां सारियां असीं मीटिंग करके कमेटी मीटिंग करके जिहड़ी तय करूगी। मीटिंग दे विच शामिल 26 किसान जथेबंदियां दे लीडरां विचों जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दस्सिया कि सरकार ने इस मसले ते 9 मैंबरी कमेटी बनाउण दा भी ऐलान कीता है जिस दे विच किसान सरकार अते वकीलां दे नुमाइंदे शामिल कीते जाणगे ते नाल ही सरकार ने विधानसभा सैशन बुलाउण दे लई भी रजामंदी प्रगटाई है। डल्लेवाल ने कहा कि सैशन दे लई रजामंदी होना एक वड्डी प्राप्ति है ते जिहड़े किसान जमीनां दे केस हार चुके ने उन्हां बारे फैसले 9 मैंबरी कमेटी करेगी। उस नूं 6 महीनियां दा समां दित्ता गया है। 6 महीनियां दे अंदर अंदर सरकार नूं रिपोर्ट सौंपेगी इह कमेटी जिस तों बाद इह फैसला लिया जाएगा कि किहड़े किसानां दीआं जमीनां तों कब्जे छुड़वाउणे ने किहड़िआं नूं जमीनां छड्डणीआं ने। इस बारे मीटिंग दे विच शामिल होर किसान लीडरां ने भी जानकारी दित्ती। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने यह भी दस्सिया कि 10 जून तो बाद व्यापारक पंचायती जमीना तो नजायज़ कब्जे हटाने की मुहिम विढ़ी जाएगी। इस नूं लैके रस्मी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मोहाली लुधियाना अमृतसर ते जलंधर वर्गे वड्डे शहरां दे नाल लगदे पिंडां दे विच पंचायती जमीना तो नजायज़ कब्जे हटाने के लिए यह मुहिम खास तौर पर चलाई जाएगी। पता लगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार 10 जून तो बाद रसूखवान लोगों को हाथ पावेगी। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि हुण तक 8000 एकड़ पंचायती जमीना तो नजायज़ कब्जे हटाने लई कागजी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। यह वो जमीना ने जिन्हां दे केस नजायज़ कब्जेदार अदालतां दे विच हार चुके ने ते हुण तक 2600 एकड़ पंचायती जमीन तो नजायज़ कब्जे छुड़वाए जा चुके ने। किसानां दे लई एक अहम खबर है कि पंजाब सरकार ने झोने की लुआई बारे नवा नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हुण मालवा खिते दे किसान झोने की लुआई 17 जून तो शुरू कर सकते हैं जबकि माझे ते दुआबे दे विच 14 जून तो झोना लाउण दा काम शुरू हो जाएगा। कौमांतरी सरहद लागे कंडियाली तार तो पार झोना 10 जून तो ही लगना शुरू हो जाएगा। किसान धिरां दे नाल सरकार दी सहमति बनी है मीटिंग दे विच जिस तों बाद कल नवा नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक होशियारपुर कपूरथला जलंधर तरन तारण नवांशहर गुरदासपुर पठानकोट अमृतसर रूपनगर ते मोहाली जिलों के झोने की लुआई 14 जून तो शुरू हो जाएगी। इस तरह बठिंडा बरनाला फरीदकोट फतेहगढ़ साहिब फिरोजपुर मुकसर पटियाला संगरूर फाजिलका मानसा मोगा मलेरकोटला अते लुधियाना इन्हां जिलों दे विच झोने की लुआई 17 जून तो शुरू होएगी जबकि कंडियाली तार तो पार दे किसान 10 जून तो झोना लाउणा शुरू कर सकते ने ते पावरकॉम वल्लों भी कंडियाली तार तो पार दे किसानां नूं 10 जून तो मालवा खेते विच 17 जून ते माझे दुआबे विच 14 जून तो खेती सैक्टर लई 8 घंटे की बिजली सप्लाई दित्ती जाएगी। श्री मुक्तसर साहिब तो खबर है जिथे नकली जज बनने वाले खेतीबाड़ी अधिकारी खिलाफ परचा दर्ज किया गया है। यह परचा आम आदमी पार्टी के सूबा संयुक्त सकत्र वरिंदर ढोसीवाल की शिकायत से दर्ज किया गया। मुक्तसर पुलिस ने कार्रवाई करदिया मुअत्तल खेतीबाड़ी विकास अफसर संदीप बैल तहसीलदार लखविंदर सिंह गिल ते एसडीएम गिदड़वाह के लीडर दलजीत सिंह खिलाफ दर्ज किया। जानकारी मुताबिक एडीओ संदीप बैल नकली जज बन के कथित तौर पर फोन करके रिश्वतखोरी करता सी ते शिकायत करने वाले वरिंदर ढोसीवाल नूं भी एडीओ संदीप बहल ने नकली जज बन के फोन किया सी पर जदों ढोसीवाल असली जज नूं मिले तां भेत खुल गया ते उन्हें मामला पुलिस दे ध्यान विच लिआंदा। कौमांतरी ड्रग केस दे नाल जुड़ी हुई खबर है। इस केस दे विच सबूत देण वाले ते गवाही देण वाले साबका अकाली विधायक अमरपाल सिंह बोनी अजनाला नूं कथित तौर ते धमकियां मिलियां ने जिस तों बाद पुलिस ने बोनी की सुरक्षा छतरी दे विच वाधा कर दिता है। बोनी ने पुलिस नूं दरखास्त दित्ती सी जिस विच दस्सिया सी कि ड्रग केस दे मामले विच सबूत ते गवाही देण करके धमकियां मिल रहियां ने। दो दिन पहलां दुपहर वेले उस नूं विदेशी नंबर तों फोन आया। बोनी ने फोन नंबर भी पुलिस नूं दिता। फोन करन वाले ने अपना नाम गब्बर दस्सिया सी। उसने धमकी दित्ती कि वह बिक्रम मजीठिया के खिलाफ गवाही दे के अपने परिवार का नुकसान करवा लेगा। गाली गलोच भी किया ते मंदी शब्दावली भी वरती जिस तों बाद पुलिस ने सुरक्षा वधा दित्ती है। खबर पीटीसी चैनल दे एक सुंदरता मुकाबले दे केस नाल जुड़ी हुई है। इस केस दे विच गिरफ्तार किए गए चैनल दे मैनेजिंग डायरेक्टर रविंदर नारायण नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट तो जमानत मिल गई है। अदालत ने मामले दे चार भगौड़े दोषियों नूं अंतरिम जमानत दा भी लाभ दे दिता है ते अदालत ने उन्हां नूं जांच विच शामिल होण दे हुक्म दित्ते ने। केस विच मुलजमां दे वल्लों वकील कनिका आहूजा ने दलीलां पेश कीतियां। 3 घंटे इस मामले ते बहस हुई जिस तों बाद अदालत ने जमानत दे दित्ती। पुलिस ने अप्रैल महीने दे विच रविंदर नारायण नूं गिरफ्तार कीता सी। एक केस चैनल दे एक बहुत चर्चित शो दे विच हिस्सा लैण वाली लड़की दी शिकायत दे आधार ते कीता गया सी।
शिकायत विच पार्टिसिपेट करन वाली कुड़ी नू जबरदस्ती बंदी बना के रखन छेड़छाड़ करन अपराधिक साजिश रचन दे इल्जाम लाए गए सी ते इन्हां तरावां तहत ही एमडी नू गिरफ्तार किया गया सी। मोहाली ब्लास्ट मामले दे नाल जुड़ी हुई खबर है कि गिरफ्तार किए गए निशान सिंह ने अहम खुलासे किए ने। रॉकेट लॉन्चर मामले दे विच मोहाली पुलिस ने फरीदकोट जेल च प्रोडक्शन वारंट लियांदे मुलजम निशान सिंह की इस मामले विच गिरफ्तारी भी पा दिती है। निशान सिंह 30 मई तक पुलिस रिमांड ते है। पुलिस ने दावा किया है कि पुछ पड़ताल दौरान इस वारदात नूं अंजाम दे के फरार हुए मुलजमां बारे पुलिस नूं अहम सुराग निशान सिंह तों मिले ने। इन्हां मुलजमां नूं भी छेती गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस का दावा है कि निशान सिंह ने दस्सिया कि इस वारदात नूं पाकिस्तान की ISI एजेंसी की शह ते बब्बर खालसा ते गैंगस्टरां दे गठजोड़ ने अंजाम दिता सी। ते निशान सिंह ने भी मुलजमां नूं RPG यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनाइट सप्लाई किया सी ते अपने घर दे विच ठहर भी दित्ती सी। हमले तो कुछ दिन पहला ही उस नूं तरन तारण विच अणपछात्या ने धमाका खेस समग्री मुहैया करवाई सी। ए भी पता लग्या कि हमलावर 7 मई तक अमृतसर ते तरन तारण इलाकयां दे विच रहे। उस तों बाद मोहाली दे सैक्टर 85 स्थित वेव हाइट्स सुसायटी विच रहिंदे जगदीप कंग कोल आ के ठहरे। 2 दिन खुफिया विंग दे मुख दफ्तर दी रेकी कीती ते 9 मई दी रात नूं वारदात नूं अंजाम दे दित्ता। जिहड़े पहलां गिरफ्तार किए गए 5 मुलजम ने उन्हां दा पुलिस रिमांड 26 मई तक वधा दिता गया। पंजाब सरकार ने सिविल ते पुलिस प्रशासन दे विच वड्डी रद्दो बदल करदिआं वधीक DGP रैंक ते पुलिस अधिकारियों समेत IAS IPS PCS ते PPS अधिकारियों दीआं नवीआं तैनातियां कीतीआं ने। यूक्रेन ते रूस दे विच जंग लगातार जारी है ते इस जंग दे दरमियान यूक्रेन दे विच मैडिकल पढ़दे विद्यार्थी वापस भारत आ गए सी। इन्हां दे विचों बहुत सारे पंजाब तों वी विद्यार्थी उत्थे पढ़न लई गए होए सी। इन्हां दे मापे हुण चिंता दे विच ने अते विद्यार्थी वी मानसिक तनाव दे विच घिरदे जा रहे ने क्योंकि इन्हां दीआं समस्यावां हाले खत्म नहीं होईआं। इन्हां विद्यार्थियों के मूहरे सब तो वड्डी चिंता अपनी पढ़ाई पूरी करन दी है। भावें यूक्रेन दीआं यूनिवर्सिटियां ने ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू कर दिती है पर यह पढ़ाई सिर्फ जुलाई तक है। उस तो बाद अगली पढ़ाई वास्ते कोई दिशा निर्देश नहीं हन। विद्यार्थियों के मापे भी चिंता दे विच ने। उन्हां नूं अपने बच्चों के भविख की चिंता वड वड के खा रही है क्योंकि मुख्य समस्या यह है कि जंग हले भी उत्थे जारी है इसलिए उत्थे जाके पढ़ना तो संभव नहीं है। मापिआं दा कहना है कि पछमी बंगाल करनाटका तमिलनाडु ते हरियाणा दीआं सरकारां यूक्रेन तों परते विद्यार्थियों की बाकी रहिंदी पढ़ाई भारत विच ही कराउण दे लई केंद्र सरकार नाल गलबात कर रहीआं ने ते इसे तरह पंजाब सरकार नूं भी केंद्र सरकार दे नाल गलबात करनी चाहीदी है। पंजाब दे 1000 तों वध विद्यार्थी यूक्रेन तों परते ने जिन्हां दी पढ़ाई अध वाटे ही रह गई है। मापिया ने कहा कि वह छेती ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं मिल के अपील करनगे नाल ही नैशनल मैडिकल कमिशन दे नाल भी मुलाकात करनगे ताकि उन्हां दे बच्चियां दी पढ़ाई जिहड़ी रहिंदी है वह भारत विच पूरी करवाउण दी इजाजत दित्ती जावे। मलोट दे अद्धी दर्जन पिंडां दे लोक पीण वाले पानी नूं भी तरस गए ने। पिंड तामकोट दे सरपंच सुखबीर सिंह मुताबिक उन्हां दे पिंड सने आले दुआले दे पिंड भुलेरियां खाने की ढाब लक्कड़ वाला तरखाण वाला नानूवाल लखमीरियाणा समेत होर दर्जना पिंडां दे विच जिहड़ा पानी मिल रहा है उस पानी दे वरतन नाल खारिश ते चमड़ी रोग हो रहे ने। वाल झड़ रहे ने, चिट्टे हो रहे ने, दंदां विच पलत्तन तों इलावा काले पीलिए ते कैंसर वर्गियां गंभीर बीमारियां लग रही ने। पिंड के वाटर वर्कस वाली पाइप लाइन सूए चो पाई गई है जो थां थां तो टुटी हुई है ते जो नहरां चो सूए दे पानी की सप्लाई रोक दिती जांदी है तां उन्हां नूं यानी कि लोगों नूं 4-4 किलोमीटर का सफर तय करके वड्डियां नहरां जां फिर सूए तो पानी लियाउणा पैंदा है ते जे पानी मुल लैणा होवे तां एक टैंकर 1000 रुपये च पैंदा है। पिंड वासियां ने मंग कीती है कि उन्हां दे पिंडां नूं नहर तो सीधी पाइपलाइन पाई जावे जां नहरां कंढे बोरां ते नलकियां दा प्रबंध कीता जावे। मलोट हल्के तो विधायक ते कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने जिन्हां ने कहा कि इन्हां पिंडां विच पानी पीण योग पानी की समस्या असीं छेती हल कर देंगे। सो उड़ीक रहेगी कि वह खबर असीं कदों तुहानूं देवांगे। पंजाब दे सैकड़े पिंड उजाड़ के बसाए चंडीगढ़ दे विच पंजाबी मां बोली नूं पहली ते प्रशासकी भाषा दा दर्जा दवाउण दे लई लगातार संघर्ष करदे आ रहे चंडीगढ़ पंजाबी मंच वल्लों शहर दे सारे गुरुद्वारां दीआं प्रबंधक कमेटियां तों वी सहयोग मंगिआ है। इस संबंध विच पंजाबी मंच ने सारियां गुरुद्वारा कमेटियां नूं लिखती चिट्ठी भेज के 25 मई नूं शाम 5 बजे गुरुद्वारा सैक्टर 22 चंडीगढ़ दे विच मीटिंग सद्दी है। मंच दे प्रधान सुजीत सिंह सुखा ने सारे गुरु घरां दीआं प्रबंधक कमेटियां नूं अपील कीती है कि वह इस मीटिंग दे विच समय सिर जरूर पहुंचण तां जो मां बोली दे मान सन्मान दी बहाली लई चर्चा कीती जा सके।
गर्ल्स ग्रुप दे विच निवेश करने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हुण पर्ल्स ग्रुप नूं हाथ पाउण दे रौं विच ने तां जो पीड़ित निवेशकां दा डुब्या पैसा वापस कराया जा सके। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पीड़ितों नूं राहत देने लई राह लभणे शुरू कर दिते ने जिहदे नाल निवेशकां नूं तरवासा बज सकदा है। दरअसल वड्डी पद्धर ते पंजाब दे लोग पर्ल्स ग्रुप की ठगी की लपेट विच आए ने ते आम आदमी पार्टी ने चोणां दौरान निवेशकां दा पैसा वापस कराउण दा वादा भी कीता सी ते सब तो वध मालवा खिता पर्ल्स ग्रुप की मार हेठ आया है। कुछ पीड़ित तां सदमा ना सहारदे होए मौत दे मूंह विच भी जा चुके ने। ताज़ा जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पर्ल्स ग्रुप के मामले से छानबीन करने लई अधिकारियों नूं हदायतां जारी कर दित्तियां ने। कानूनी सलाह मशवरा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी भी ढंग तरीके पर्ल्स ग्रुप की पंजाब विचली संपत्ति अपनी निगरानी हेठ सरकार नीलाम करे ते उस तो मिलने वाला पैसा पीड़ित निवेशकों वापस किया जाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट के CBI करीब 60,000 करोड़ की ठगी का केस भी दर्ज कर चुकी है। पर्ल्स ग्रुप का CMD निर्मल सिंह भंगू तिहाड़ जेल दे विच बंद है। सूबे दे विच बहुत सारिया जमीना तो कंपनी ने लीज से दिखा दित्तियां ने पर देश भर दे विच करीब 5.5 करोड़ निवेशकों का पैसा इस ग्रुप दे विच डुब चुका है। इन्हां कंपनियां दे 2 दर्जन के करीब होर अहुदेदारां ते कारोबारियों भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल पर्ल्स ग्रुप के वलों निवेशकों नूं सौखे तरीके नाल पैसा कमाउण दा झांसा दिता जांदा सी। पंजाब दे विच इस ग्रुप ने करीब 30,000 पॉलिसियां जारी कीतियां सी जिहदे नाल लोगों का करीब 10,000 करोड़ का वित्तीय नुकसान होया सी। तो चल रही जांच दे विच इस ग्रुप की 10,000 एकड़ जमीन की पंजाब दे विच शनाखत की जा चुकी है जिहदे विचों 3,500 एकड़ कल्ली लुधियाना जिले दे विच ही है। सारे देश विच पर्ल्स ग्रुप दियां 1,85,00,000 दियां जायदादां दी शनाखत हो चुकी है। इस समय दरमियान काफी जमीना ते नजायज कब्जे भी हो चुके ने ते पीड़ता ने एक जथेबंदी भी बनाई जिसका नाम इंसाफ दी आवाज़ रखा गया जिसके प्रधान महिंद्रपाल सिंह दानगढ़ ने। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार यह काम कर सकती है। इस बारे विधानसभा विच बिल लिया के पर्ल्स ग्रुप दियां संपत्तियां अपने कब्जे विच भी लै सकती है। सो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी यही चाहते ने कि पीड़ता नूं राहत दिती जावे ते ओह MP ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ RM ਲੋਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਲਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਮ ਦੀਆਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰ ਤਖਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, 4 ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, 4 ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੱਤਕਾ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਗਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BJP ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
चाहिए। उन्होंने भी कहा कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने किसी बयान या फैसले से किसी किंतु परंतु करने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा अकाली दल के सीनियर लीडर ने बुलारे ने उन्होंने भी शस्त्रां नूं सिखां दीआं रवायतां दा हिस्सा दस्सिया। एसजीपीसी दी साबका प्रधान बीबी जगीर कौर ने भी जथेदार हरप्रीत सिंह दे बयान दा समर्थन करदिआं कहा कि जथेदार साहिब ने तां श्री गुरु हरगोबिंद साहिब दा हुक्म याद करवाया है, जिस विच गुरु साहिब ने मीरी पीरी दीआं दो किरपानां धारण करके समुची सिख कौम नूं उपदेश दित्ता सी कि हुण वक्त आ गया है कि हर सिख नूं गुरबाणी दे नाल नाल शस्त्र भी धारण करन दी लोड़ है, तां जो समां आउण ते उह अपने नाल मजबूरां दी निहत्थिआं दी मदद कर सके। बीबी जगीर कौर ने कहा कि गुरु साहिबाना दे हुक्म मुताबिक हर सिख नूं शस्त्र रखने जरूरी ने, जथेदार इस बयान ते राजनीति ना कीती जावे। पंजाब दे साबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंग कीती है कि जथेदार साहिब अपने बयान ते स्पष्टीकरण देण कि आखिर इस बयान दी लोड़ क्यों पै गई, कि सचमुच हथियारां दी लोड़ है, किते जथेदार साहिब बादलां नूं पंजाब दे विच सुरजीत करन दी कोशिश तां नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी के बुलारे मालविंदर कंग ने कहा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने, उन्होंने सिख मर्यादा नूं कायम रखने के लिए बयान दिता है, किसी नूं भी जथेदार साहिब के बयान से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हिंदू लीडर विजय भारद्वाज उन्होंने कहा कि जथेदार साहब ने जे बयान दिता तो कुछ सोच समझ के दिता होगा, कहते असी भी हिंदू समाज को अपील करते हैं कि हिंदू भी आपो अपने घर लाइसेंसी हथियार रखन, क्योंकि स्वै रक्षा दे जिहड़ी लोड़ है वह हिंदुओं नूं भी है, ते विदेशी शक्तियां ने जिहड़ियां उह पंजाब दा माहौल खराब करन दी कोशिश कर रहियां ने। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने जथेदार दे इस बयान नूं लोक हित दे खिलाफ दस्या है। बिट्टा ने कहा कि जथेदार साहिब इह दसण कि देश विच सिखां नूं खतरा किथे है। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी ट्वीट कीता है, कहिंदे सत्कार सहित जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं बेनती है कि सिख नौजवानां नूं लाइसेंसी आधुनिक हथियार लैण दी लोड़ क्यों है इह दस्या जावे। सिख भाईचारे विच उहनां दी सब तों उच्ची पदवी दे मद्देनज़र उहनां दे वल्लों आधुनिक हथियार रखण लई सद्दा देणा सिख भाईचारे दे लई किसे खास खतरे बारे चिंता पैदा करता है, यह वड़िंग का बयान है। सो इस पूरे मसले से पंजाब की सियासत दे विच तां कावां रौली पै गई है, जबकि जथेदार साहिब अपना बयान दे के पासे हो गए ने। हालांकि भारत के कानून के मुताबिक किसी भी इत्थे लाइसेंसी हथियार रखण का हक है, इहदे विच कुछ भी गलत नहीं है, पर हथियार किस नूं देना है किस नूं नहीं देना यह प्रशासन ते निर्भर करता है। उक्त व्यक्ति जिहड़ा कि हथियार लैण दे लई अपलाई करता है उस दा अगला पिछला रिकॉर्ड है जिहड़ा उस दे उत्ते निर्भर करता है। पर इत्थे जथेदार साहिब ने कहा कि अज लोड़ है कि हर नौजवान अपने कोल लाइसेंसी हथियार रखे, ते इस मौके जथेदार साहिब ने केड़ी लोड़ दी गल कही है अते क्यों कही है इस समय दे विच इस बारे जरूर चर्चा हो रही है। गल मौसम दी करांगे, कुदरत दे रंग बड़े न्यारे ने। एक दिन पहला जिथे पंजाब समेत हरियाणा अते चंडीगढ़ ते दिल्ली भट्ठ वांगू तप रहे सी, ते हुण जिहड़ा 23 तरीक नूं पंजाब दे विच ही नहीं बल्कि हरियाणा चंडीगढ़ दे विच भी ठंडक छाई हुई है। दिल्ली दे विच तां तापमान 11 डिग्री हेठां डिग पिया, जबकि पंजाब दे विच 8 डिग्री थले आया है। रातों रात पंजाब कहिंदे शिमला बन गया। दिल्ली दे विच हनेरी चलण तों बाद भारी मीह पिया है। बिहार सने 5 राज्यां दे विच गड़े पैण ते बिजली डिगण दी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कीती है। हालांकि पंजाब दे विच बीती रात तों लगातार तड़के तक पए मीह ने पंजाबियां नूं गर्मी तों राहत दित्ती है। चंडीगढ़ ते मोहाली दे नाल लगदे इलाकियां दे विच भी ठंडियां हवावां ते मीह ने लोकां नूं सवेरे सवेरे शिमले दी याद दवा दित्ती। ऐतवार देर रात तों शुरू हो के मीह तड़के तक पूरे पंजाब दे विच पिया। मीह तों बाद सवेरे तापमान विच काफी गिरावट दर्ज कीती गई, 8 तों 11 डिग्री तक तापमान थले डिग्गिया। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पछमी ते पूर्वी भारत विच 21 मई तों 24 मई तक मीह दी भविखबाणी कीती हुई है, ते 23 मई नूं भी सारा दिन इसे तरह दा मौसम बने रहण दी संभावना दित्ती है। दिल्ली दे विच भी सोमवार नूं तेज हवावां चलियां, भारी मीह पिया। मौसम विभाग पेशीनगोई की कि राजस्थान बिहार सने 5 सूबे गड़े पै सकते हैं, बिजली डिगण की चेतावनी भी दी गई है। दिल्ली एनसीआर तेज झखड़ तो बाद मोहलेधार मीह पिया, कई थावां ते गोडे गोडे पानी भर गया, रुख डिगण कारण आवाजाई प्रभावित हुई, बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। दिल्ली सोमवार सवेर तो पै रहे भारी मीह कारण 20 हवाई उडाणा प्रभावित हुई, घट्टो घट तापमान 17.2 डिग्री दर्ज किया गया। मई महीने तापमान इन्ना हेठा आने करके दिल्ली दहाकों का रिकॉर्ड टुट गया।
पहला 2 मई 1982 नूं 15.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। केदारनाथ विच बर्फबारी ते मीह कारण ठंड वध गई है, बावजूद इसके वड्डी गिणती विच श्रद्धालु दर्शनां दे लई जा रहे ने। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा दे विच भूचाल दे झटके महसूस किए गए, जिन्हां दी रिक्टर स्केल ते तीव्रता 3.4 मापी गई। हुण जिस भूचाल दे विच किसी भी तरह के जानी ते माली नुकसान तो राहत रही है। महंगाई दे नाल जुड़ी एक खबर दस दिंदे हां, जिहड़ी कि भारत दे तापमान ते निर्भर करदी है। बड़ी हैरानी दी गल है कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा है कि लंबे समय तक उच्च तापमान भारत दे लई ना पक्षी संकेत है, क्योंकि महंगाई नूं वधा सकदा है, विकास नूं नुकसान पहुंचा सकदा है। लंबे समय तक तापमान उच्चा रहण करके आर्थिक विकास संभावित तौर ते अस्थिर हो जाएगी। मूडीज ने कहा कि हालांकि भारत विच गर्मी दीआं लहरां काफ़ी आम ने, आम तौर पर मई ते जून विच हुंदीआं ने, पर इस साल नवी दिल्ली विच मई विच तापमान 49 डिग्री सैलसीयस तक भी चला गया सी, जिहड़ा कि महंगाई समेत देश की आर्थिकता दे लई काफ़ी चिंताजनक है। जिला हुशियारपुर दे विच पैंदे गढ़दीवाला दे पिंड बैरमपुर ख्याला दे विच 6 सालां दे रितिक दी 100 फुट डूंघे बोरवैल विच डिगण कारण मौत तो बाद पुलिस ने बोरवैल दे मालक खिलाफ केस दर्ज कर लिया। गढ़दीवाल थाने दे विच सतवीर सिंह खिलाफ अणगहली वरतदिआं बोरवैल नूं खुला छड्डण अते जिला मजिस्ट्रेट की सुरक्षा संबंधी कीतीआं हदायतां की उल्लंघना करन दे दोषां तहत FIR दर्ज की गई है। भुलत्त तो कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने भी पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे इस घटना संबंधी किए ट्वीट नूं रीट्वीट करके कहा है कि बहुत ही शर्म ते चिंता दी गल है कि अज दे हाईटेक आधुनिक संसार दे विच साडे रितिक वर्गे बच्चे आवारा कुत्तियां दे कारण बोरवैलां दे विच डिग के मर रहे ने, इसलिए जरूरी है पंजाब च हर साल वापरदे सड़क हादसों का कारण बनदे आवारा पशुआं ते काबू पाया जावे। पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े कि बिक्रम सिंह मजीठिया वाली पटियाला सेंट्रल जेल दे विच बंद ने, वह जेल दे विच सिर्फ ते सिर्फ उबलियां सब्जियां ही खा रहे ने। अदालत दे वल्लों डाइट संबंधी हदायतों तो बाद डॉक्टरां दे बोर्ड कोल पेश करन दे लई सिद्धू नूं सरकारी रजिंद्रा हस्पताल लिजाया गया। दरअसल सिद्धू दे वकीलां ने अपील पाई हुई है कि सिद्धू नूं खास डाइट खाण दी इजाजत दित्ती जावे, जिस तों बाद अदालत ने कहा कि सिद्धू दे शरीर दी जांच कीती जावे, जिस तों बाद सिद्धू नूं रजिंद्रा हस्पताल लिजाया गया, जिथे डॉक्टरां दे वल्लों सिद्धू दी डाइट बारे जानकारी है जिहड़ी ओह अदालत नूं दित्ती जाएगी। पटियाला दे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस संबंधी डॉक्टरां दे कोलों रिपोर्ट मंगी है। खबरां पढ़े जाण तक इस रिपोर्ट बारे जानकारी नहीं मिल सकी सी। ते पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं सजा होण तों बाद भी उन्हां दी सुरक्षा वापस नहीं लई है। सिद्धू दे जेल तों वापस आउंदे ही उन्हां नूं Z+ सुरक्षा वापस मिल जाएगी। पंजाब सरकार ने स्पष्टीकरण दित्ता है कि सिद्धू दी सुरक्षा वापस नहीं लई जाएगी। जे सिद्धू 6 महीने बाद जां जदों वी पैरोल ते बाहर आउंदे ने उन्हां नूं सुरक्षा उस वेले मुहैया करवाई जाएगी। हाल की घड़ी एक जिहड़ा मुलाजम है वह सिद्धू के पटियाले वाले घर च ते एक अमृतसर वाले घर दे विच तैनात रहेगा। खबर 2017 दे विच वापरे मौड़ बंब ब्लास्ट दे नाल जुड़ी हुई है। इस मामले दे विच अदालत ने मौड़ मंडी के तत्काली SHO शिवचंद दे गिरफ्तारी वारंट जारी किए ने। हैरानी की गल यह है कि तत्काली SHO शिवचंद की हुण DSP वजो तरक्की भी हो चुकी है, पर 4 वारी अदालती हुक्मां की उलंघना कर चुकिया है। अदालत के कहने बावजूद भी गवाही दर्ज करवाउण नहीं गया, जिस तों बाद अदालत ने इस सख्त फैसला लिया है। शिवचंद नूं पहला 21 दिसंबर नूं, फिर 14 फरवरी नूं, 26 अप्रैल ते फिर 13 मई नूं तलब किया गया सी, पर अदालत विच पेश नहीं होए ते हुण अदालत ने अगली सुनवाई 16 जुलाई ते पा दित्ती है अते तत्काली SHO दे गिरफ्तारी वारंट जारी कर दित्ते ने। 2017 दे विच जो विधानसभा चोणां होणियां सी उस तों पहलां मौड़ मंडी दे विच बंब ब्लास्ट होया सी, जिस दे विच बच्चियां समेत कई जणियां दी जान चली गई सी ते कई हाले भी मंजे दे उत्ते पैण नूं मजबूर ने, क्योंकि उन्हां दे जख्म ठीक नहीं हो रहे। दिल्ली कमेटी दे प्रधान हरमीत सिंह कालका अते हरियाणा कमेटी दे प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल दे वल्लों SGPC दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं बंदी सिंघां दी रिहाई लई गठित कीती 11 मैंबरी कमेटी चों बाहर करन दी मंग ते अकाली दल दा गुस्सा भड़किया है। अकाली दल दा कहना है कि दादूवाल ते हरमीत कालका वल्लों बंदी सिंघां दी रिहाई दे विच अड़िक्का डाउण दी कोशिश कीती जा रही है। अकाली दल दे बुलारे ने कहा कि बंदी सिंघां दी रिहाई लई 11 मैंबरी कमेटी जिहड़ी बनाई गई है उसनूं तोड़न दी साजिश रची जा रही है। दरअसल 19 मई नूं जदों कमेटी दी पलेठी बैठक होई सी उहदे विच बलजीत सिंह दादूवाल ने खुद सुखबीर सिंह बादल दे सामने सारिआं नूं मंग पत्र दित्ता सी, चिट्ठी दित्ती सी कि सुखबीर बादल इस कमेटी दे विच नहीं होणे चाहीदे। सुखबीर बादल ने भी उह चिट्ठी अपने हत्थां नाल लई ते मुस्कुराउंदे रहे। उस तों बाद ऐतवार नूं DSGMC दे प्रधान हरमीत सिंह कालका ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके
सुखबीर बादल अते अवतार सिंह हित दोवां नूं कमेटी विचों बाहर किते जाण दी मांग कीती अते इल्जाम लाया कि दोवें सियासी तौर ते मजबूत होण दी कोशिश कर रहे ने इस मुद्दे दे राहीं। केंद्र सरकार दे वल्लों पेट्रोल ते डीजल ते वैट घटाए जाण तों बाद कई सूबिआं ने वी वैट घटाउण दा ऐलान कर दित्ता, पर पंजाब लगदा है कि एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाएगा। आम आदमी पार्टी दे बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने देश विच वधदी महंगाई नूं लै के उल्टा केंद्र सरकार नूं घेरिया है। कंग ने कहा कि पहला नालों देश विच महंगाई दुगनी हो गई है 2014 तो 2022 तक, जदों दे नरेंद्र मोदी देश दे प्रधानमंत्री बने ने उदों दी महंगाई दी दर दुगनी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार नूं निशाने ते लैंदे कहा कि नरेंद्र मोदी ने तो वादा किया कि देश विच भाजपा की सरकार बनदिया ही हर एक दे खाते विच 15-15 लाख रुपये आउणगे, पर 15 लाख तो की आने से 15% की दर तो वध महंगाई नाल लोक जूझ रहे ने। 2014 तो 22 तक तेल दी कीमतां विच 90% वाधा होया है, दालां 50% वध गईआं ने, सब्जियां दी दर विच 25% दा वाधा होया है। रसोई ते जिस तरीके नाल डाका मारिया लोकां दी जिंदगी दूभर हो गई दो टाइम दी रोटी खाण लई, तो प्रधानमंत्री ने जिहड़े दो तीन गल्लां कहीआं सी महंगाई वो मैं तुहानूं दस्सदा, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की दर जिहड़ी 15.8% पहुँच गई है और किसानां दी इनकम दुगनी ते की होनी सी, किसानां दी इनकम पिछले 7 सालां च 30% होर गिर गई, और ये पार्लियामेंट दी स्टैंडिंग कमेटी दी रिपोर्ट है किसानां नूं लैके। कोई आटा लैना है, कोई स्टेशनरी लैनी है, कोई कपड़ा लैना है, हरेक सैक्टर अनकंट्रोल्ड है। और इस तरीके नाल मतलब मोदी साहब की सरकार च नवें नवें रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले दिनों एक स्टडी आई सी, भारत सरकार की स्टडी सी, जिहदे च बेरोजगारी जिहड़ी आ हाईएस्ट लैवल ते पहुँच गई देश की आजादी तो बाद, ते हुण महंगाई की दर जिहड़ी आ ओह भी हाईएस्ट लैवल ते पहुँच गई। सो अज आम आदमी पार्टी माणयोग प्रधानमंत्री जी नूं बेनती करदी आ, अपील करदी आ, तुसी लोकां ते हिंदुस्तान दे लोकां ते रहम करो, तरस खाओ। सो पंजाब सरकार तां लगदा है कि एक्साइज ड्यूटी घटाए जांदे रौंदे विच नहीं है, पर इस दरमियान कांग्रेस विधायक सुखपाल खहरा ने पंजाब सरकार तों मंग कीती है कि केंद्र दी तरस ते हुण पंजाब सरकार भी अपने हिस्से दा जिहड़ा टैक्स लैंदी है लोकां तों पेट्रोल अते डीजल दे उत्ते उस नूं घट करन दा ऐलान करे। लोकां दे सिर जो महंगाई वध रही है उस नूं घटाउण दे विच अपना योगदान पावे। सुखपाल खहरा ने यह भी ट्वीट किया पंजाब सरकार नूं संबोधन हुंदे होए कि मैं उम्मीद करदा कि पिछलियां सरकारां वांग तुहाडी सरकार अपनी सरकार चलाउण दे वास्ते सरकारी जायदाद वेचण दे पुराने रवायती तरीकिआं दा सहारा नहीं लएगी। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰਮੈਨ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੱਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਬਲਾਹੜ ਵਿੰਜੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਬਲਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ SSP ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।
दरअसल SSP सिद्धू ने भगवंत सिंह मान के नाँ के नारे भी लाए से, भारत माता की जय के नारे जयकारे लाए तो ही भगवंत मान के नाँ के नारे भी लाए और पंजाब पुलिस के हक के भी नारे लाए। कांग्रेस ने SSP संगरूर तो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार दसते हुए हुण तंज कसया है। पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर ढिल्लों ने ट्वीट किया है, पुलिस अफसर के रवैये से सवाल खड़े किए ने। उन्होंने वीडियो सांझी की है जिस SSP जिहड़े मनदीप सिंह सिद्धू ने भगवंत मान दी तारीफ दे विच नारे लाउंदे दिखाई दे रहे ने। लिखिया इन्होंने कहिंदे संगरूर तो आम आदमी पार्टी के नवे उम्मीदवार अपनी पहली चोण रैली नूं संबोधन करते हुए मनदीप सिद्धू उलझण विच हन कि उह अजे भी पंजाब पुलिस के जाबते के अधीन संगरूर पुलिस के SSP हन, यह भी नवा बदलाव है। तो वीडियो भी मनदीप सिंह सिद्धू की असी तुहानूं जरूर सुना दिंदे हां जदों उह भगवंत मान की तारीफ दे विच कसीदे पढ़ रहे सी। सरदार भगवंत सिंह मान दी, सरदार भगवंत सिंह मान दी, ए मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एतवार नूं हवाई अड्डे नूं लैके संबंधित महकमे के अफसरां दे नाल अहम मीटिंग की। मीटिंग दौरान मोहाली कौमांतरी हवाई अड्डे तो विदेशां नूं सिद्धियां उड़ाणां दे लई प्रबंधां नूं लैके चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि साडी कोशिश है विदेशों में वसते पंजाबियों ते कारगो उड़ाणा दे राहीं किसानां नूं इन्हां हवाई अड्डियां दा वध तों वध फायदा मिल सके। कुछ दिन पहलां पंजाब दे पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी विदेश राज मंत्री वी मुरलीधरन दे नाल मुलाकात कीती सी। उन्हां ने अमृतसर ते मोहाली हवाई अड्डियां तों कैनेडा, आस्ट्रेलिया ते अमेरिका वर्गे मुल्कां दे लई सिद्धियां उड़ाणा शुरू करन दी मंग कीती सी। उन्हां ने चंडीगढ़ ते अमृतसर हवाई अड्डियां नूं अंतरराष्ट्रीय बनाउण दी मंग वी कीती सी। हालांकि इन्हां दोवें हवाई अड्डियां तों कौमांतरी पद्धर कुछ उड़ाणा उड़दियां ने। उधर एक पासे जिथे कांग्रेस के वलों तंज कसे जा रहे हैं कि SSP मनदीप सिंह सिद्धू संगरूर तो लोग सभा सीट के लिए उम्मीदवार वजो तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरे पासे भगवंत मान की भैन मनप्रीत कौर के वलों भी चोण लड़े जाने की चर्चा चल रही है। इस बारे मुख्यमंत्री की भैन मनप्रीत कौर का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होएगा वह मैनू प्रवान होएगा। हालांकि यह भी कहा कि सिर्फ गल् ही चल रही ने, दरअसल संगरूर लोग सभा सीट खाली हुई है तो हुण इत्थे जिमनी वोटां पैणगियां, जिमनी चोण होएगी। भगवंत सिंह मान इत्थों MP सन, हुण ओह CM बण गए ने पंजाब दे ते उन्हां ने इह सीट छड्ड दित्ती है। अस्तीफे तों बाद इह सीट खाली पई है। अजिहे विच कयास लाए जा रहे ने कि उन्हां दी भैण मनप्रीत कौर इस सीट तों आम आदमी पार्टी दी उम्मीदवार वजों चोण लड़ सकदी है। नजायज़ कब्ज़ियां दे नाल जुड़ी हुई एक खबर है। डेरा बसी दे दुकानदार मंग कर रहे ने भगवंत सिंह मान दी सरकार नूं अपील कर रहे ने कि असीं वी इक नजायज़ कब्ज़े तों दुखी हाँ, कृपा करके कब्ज़ा वी हटवाया जावे। डेरा बसी दी रामलीला ग्राउंड दे नेड़े मार्केट के दुकानदारा ने रामलीला ग्राउंड और बस स्टैंड तो आते राह से लगिया नजायज़ फड़िया तो नजायज़ कब्जे को हटाने लिए रोस मार्च कढ़िया। रामलीला ग्राउंड ते इहदे नाल लगदी मार्केट दे विच डेरा बसी ते इहदे नाल लगदे 25 तों 30 पिंडां दे लोक वाहनां राहीं समान खरीदण आउंदे ने ते बाजार विच आउण लग्गे इहनां लोकां नूं बहुत सारियां मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है, क्योंकि बाजार विच आउण वाले राह दे उत्ते अते ग्राउंड दे विच रेहड़ियां फड़ियां वाले अपनियां दुकानां ला के बैठे हुंदे ने ते राह रोकिया हुंदा है। प्रदर्शन करन वाले दुकानदारां ने इल्जाम लाया कि इहनां विचों कईआं ने तां पक्के टेंट ला के नजायज़ कब्जे कीते होए ने ते इस नजायज़ कब्जे नूं हटाया जाणा चाहीदा है। हालांकि दुकानदारां ने यह भी दस्सिया कि इन्हां कब्ज़ियां नूं हाले 6-7 महीने ही होए ने। प्रदर्शनकारी दुकानदारां ने नगर कौंसल अते SDM तों इलावा हलका विधायक कुलजीत सिंह रंधावा तों रामलीला ग्राउंड दी मार्केट दे सामने आउण वाले राह विच कीते नजायज़ कब्ज़े हटाउण दी मंग कीती है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼? ਹੁਣ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 6-7 ਪੂਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ T20 ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਲੇਅਆਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਪਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ।
उन्होंने पिता दर्शन सिंह कहते हैं कि मैं चाहता कि मेरा पुत्र कनेडा जाए उत्थे जाके चंगी जिंदगी जिओवे आर्थिक तौर पर आजाद होवे चंगी कमाई करे क्योंकि सानू फिक्र सी कि इत्थे उन्होंने पुत्र नू कोई चंगा काम जां चंगी नौकरी मिलेगी जां नहीं इसलिए उन्होंने चिंता रहिंदी सी। पिता ने दस्या कि फिर अर्शदीप ने सानू कहा कि मैनू क्रिकेट ते ध्यान केंद्रित करन लई सिर्फ एक साल का मौका दे दिओ उस तों बाद जो तुसी कहोगे वह मैं करांगा। कहिंदे फिर असीं उहनू एक साल का मौका दिता ते इस एक साल दे विच क्रिकेट ते उहदी तकदीर दोवें बदलन लग पई। उसने सख्त मेहनत की 19 साल तो घट उम्र भारत की टीम के लिए चुनिया गया ते हुण उसने साडा सिर माण दे नाल उच्चा कर दिता। एक वड्डी खबर पंजाब दे लोकां दी सेहत दे नाल जुड़ी हुई है। की तुहानू पता है कि 80 तों 90% दुध है जिहड़ा उह तुहाडे कोले मिलावटी पहुँच रहा है। 80 तों 90% लोग मिलावटी दुध पी रहे ने जां कह लईए कि दुध की थां ते जहर पी रहे ने। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एक रिपोर्ट दायर हुई है जिस दे विच एक वड्डा खुलासा होया। WHO ते केंद्र सरकार दे मंत्रालयां दी रिपोर्ट दा हवाला दिंदे होए एक जनहित पटीशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच दायर कीती गई है। इस पटीशन दे विच कहा गया कि देश विच मिलदा 80 तों 90% दुध जां फिर दुध दे उत्पाद ने जिहड़े उहनां दे विच खासी मिलावट है। हरियाणा पंजाब ते चंडीगढ़ ने इस नूं रोकण लई चुके गए कदमां दी जानकारी दित्ती है। इस जानकारी रिकॉर्ड ते रखते हुए पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे तरह जांच जारी रखने दे हुक्म भी दे दिते ने। दरअसल द सर्विंग इन ऑर्गेनाइजेशन इन लीगल इनिशिएटिव ने एडवोकेट किरतपाल सिंह राही ए पटीशन दायर कीती है। इस विच एक रिपोर्ट का हवाला देंदे हुए कहा गया कि भारत के 70% तो वध दुध उत्पाद कौमी खुराक सुरक्षा मापदंडा नूं पूरा नहीं करते। WHO की रिपोर्ट विच कहा गया कि जेकर भारत के दुध उत्पादों की जांच ना की गई तो 2025 तक 87% भारती कैंसर वर्गियां घातक बीमारियां का शिकार हो सकते हैं। विज्ञान ते टेक्नोलॉजी मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 99.2% दुध उत्पादों के विच किसी ना किसी किस्म की मिलावट पाई गई है। हाईकोर्ट नूं दस्या गया इस पटीशन दे राहीं कि दुध उत्पादन दे मामले दे विच भारत दुनिया दे मोहरी मुल्कां दे विचों इक है पर इत्थे दुध दे उत्पादां विच मिलावट दीआं घटनावां बहुत ज़्यादा ने। अंकड़ियां ते नज़र मारीए तां देश विच 14 करोड़ लीटर दुध दा उत्पादन हुंदा जदकि खपत 65 करोड़ लीटर है ते उत्पादन अते खपत दे विचाले जिहड़ा पाड़ा है उस तों साफ समझ आउणा चाहीदा है कि मंग है जिहड़ी उह मिलावटी दुध तों बणीआं वस्तुआं दे नाल ही पूरी कीती जा रही है क्योंकि उत्पादन 14 करोड़ लीटर अते खपत 65 करोड़ लीटर ते जिहड़ा विचला पाड़ा है ये दुध फिर आउंदा कित्थों है जदों पैदा ही नहीं हुंदा। हाईकोर्ट नूं दस्या गया कि केंद्र सरकार वल्लों समें समें ते मिलावटी दुध अते दुध तों बने पदार्थां नूं रोकण लई हदायतां जारी करन दे बावजूद इन्हां हदायतां दी सख्ती नाल पालना नहीं कीती जा रही। पटीशनर ने हाईकोर्ट नूं अपील कीती है कि उह केंद्र समेत सूबा सरकारां नूं दुध अते दुध उत्पादां दी नियमित जांच नूं यकीनी बनाउण लई निर्देश जारी करन ते आम लोकां नूं जागरूक करन दे लई वी निर्देश जारी करन। लोकां नूं दस्या जावे कि उह मिलावटी दुध उत्पादां दी जांच किवें कर सकदे ने। हरियाणा पंजाब अते चंडीगढ़ ने अपना जवाब दायर कीता है कहा कि बाकायदा इस मसले ते जांच चल रही है। इस दरम्यान हाईकोर्ट ने पटीशन दा निपटारा करदिआं भविख दे विच वी जांच जारी रखण दे हुक्म हाईकोर्ट नूं दस्या गया सी कि नकली दुध बनाउण दे विच घातक डिटर्जेंट कास्टिक सोडा चिट्टा पेंट हाइड्रोपर आकसाइड बनस्पति तेल खादां दी वरतों कीती जांदी है। ये नाम किन्ने खतरनाक ने तुसी सोच सकदे हो कि इन्हां पदार्थां दी मिलावट इन्हां जहरां दी मिलावट वाला दुध पता नहीं किन्ने लोग पींदे ने ते ये सारे पदार्थ ने जिहड़े मनुखी सेहत दे लई इन्ने क ज़्यादा घातक ने कि कैंसर वर्गियां वड्डियां बीमारियां ने जिहड़ियां ओह इंसान दे शरीर दे विच इंजैक्ट कर दिंदे ने। जिहड़े उहनां दोधियां तों दुध लै के पींदे ने जिन्हां दे दुध दी कोई गुणवत्ता चैक नहीं कीती जांदी सो उहनां लोकां नूं ज़्यादा अवेयर होण दी लोड़ है। पर जिहड़े लोक पिंडां दे विच रहिंदे ने खास करके जिहड़े अपने घरां दे विच डंगर पशु पालदे ने ते खुद उहनां दा दुध चो के ते फिर उस दुध दी वरतों करदे ने उहनां नूं फिकर करन दी लोड़ नहीं है। उहनां नूं सिर्फ ये ध्यान रखना चाहीदा है कि तुसी पशु नूं खुराक की दे रहे हो क्योंकि पशुआं नूं जिहड़ा हरा चारा पाया जांदा उह ते वी बड़ियां स्प्रेयां कीतियां जांदियां ने ते उह स्प्रेयां वाला हरा चारा जदों पशु दे अंदर जांदा है तां फिर उहदे दुध राहीं उह तुहाडे अंदर वी जांदा है ते बीमारियां पैदा करदा है। बिहार तों वड्डे हादसे दी खबर है जिथे पूर्णिया जिले दे विच सोमवार सवेरे कबाड़ ते पाइपां लिजा रहा ट्रक पलट गया जिस कारण 8 मजदूरां दी मौके ते मौत हो गई जदकि
8 होर जख्मी हो गए। यह हादसा सिलीगुड़ी दिल्ली मार्ग से जलालगढ़ पुलिस स्टेशन नेड़े काली मंदिर के कोल वापरिया। ट्रक सिलीगुड़ी तो जम्मू कश्मीर जा रहा है, ट्रक पलट गया, मजदूर पाइपां हेठ दब गए ते सारे पीड़ित राजस्थान के नाल संबंधित सन। हरियाणा तो खबर है जिथे चोण कमिशन ने 46 नगर निगमां दीआं चोणां दा ऐलान कर दिता है। वोटां 19 जून नूं पैणगीआं। हरियाणा चोण कमिश्नर धनपत सिंह ने दस्सिया कि वोटां दी गिणती 22 जून नूं होवेगी। एक वड्डी खबर तुहानूं संगरूर जिमनी लोक सभा चोण दे नाल जुड़ी हुई दस दिंदे हां। इस चोण नूं लै के काफ़ी सरगर्मियां चल रहीआं ने। हालांकि किसी भी पार्टी दे वल्लों हाले तक किसी भी कैंडिडेट दी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर सब तो पहली अनाउंसमेंट हो चुकी है। यह अनाउंसमेंट की गई है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे वल्लों। मान दल दी पार्टी दे वल्लों संगरूर तो जिमनी लोक सभा चोण सिमरनजीत सिंह मान खुद लड़नगे। पार्टी दे प्रधान खुद चोण मैदान दे विच नितरनगे, इसका ऐलान कर दिता गया। पार्टी के स्पैशल सकत्र गुरजंट सिंह कट्टू ने दसिया कि इस गल का फैसला पिछले दिन ही हुई पार्टी की राजसी मामलों की कमेटी यानी कि PAC की मीटिंग दे विच सर्वसम्मति दे नाल लै लिया गया सी कि सिमरनजीत सिंह मान खुद इत्थों चोण मैदान दे विच नितरनगे। सो इस वारी चोण मैदान है जिहड़ा वह काफ़ी रौचक रहण वाला है। संगरूर की जिमनी चोण है जिहड़ी वह काफ़ी रौचक रहण वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों पंजाब दा मुख्यमंत्री चुने जाण तों बाद इह लोक सभा सीट छड्ड दित्ती गई सी। उन्होंने अस्तीफे तों बाद इह सीट खाली हो गई। हुण देखना होएगा कि श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस जां फिर आम आदमी पार्टी किस नूं सिमरनजीत सिंह मान दे विरुद्ध चोण मैदान दे विच उतारदे ने। एक होर वड्डी खबर तुहानूं दस दिंदे आ, पिछले दिन ही जिथे कांग्रेस दे वड्डे लीडर नवजोत सिंह सिद्धू नूं सज़ा दा ऐलान होया, उत्थे हुण आम आदमी पार्टी दे एक विधायक नूं सज़ा सुनाई गई है। रोपड़ दी एक अदालत ने आम आदमी पार्टी दे पटियाला दिहाती तों विधायक डॉक्टर बलवीर सिंह सिद्धू नूं एक फौजदारी केस दे विच परिवार समेत 3 साल बामुशक्कत कैद दी सज़ा सुनाई है। अडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवि इंदर सिंह ने 3 होरना दे नाल डॉक्टर बलवीर सिंह नूं सज़ा सुनाई है। पत्नी ते पुत्तर नूं भी 3 साल की सज़ा हुई है। 5,000 रुपये का जुर्माना भी लाया गया। हालांकि अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक बलबीर सिंह समेत बाकी सब नूं जमानत भी नालों नाल दे दिती है। अदालत ने 50,000 रुपये के मुचलके समेत जमानत दिती है। यह मामला 2011 का है। भैन भरावां दे जमीनी विवाद नूं लैके हुए झगड़े नाल जुड़िया हुआ मामला है, जिस दे विच आप विधायक नूं सज़ा का ऐलान होया है। इस खबर तो बाद कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने आम आदमी पार्टी की सरकार से निशाना कसदिया कहा है कि विधायक डॉक्टर बलवीर सिंह नूं 3 साल की सज़ा होने के नाल अरविंद केजरीवाल का दोगला चेहरा नंगा हो गया। सियासत नूं साफ करने वाली आम आदमी पार्टी आपो विच ही उलझी पई है कि यही बदला है, यही संदेश तुसी लोकां नूं देना सी। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। धन्नवाद।